क्रूड ऑयल की प्राइसेस अपने सबसे निचले स्तर पर आ गई हैं। निचला स्तर भी इतना कि माइनस में चली गई हैं या जीरो डॉलर से भी कम चली गई हैं। आई नो आप पिछले एक दो दिन से ऐसे कई सारी खबरें जो हैं वो सुन रहे हैं, आपने पढ़ा होगा और आपके दिमाग में सवाल आया होगा कि अगर माइनस में चली गई हैं या जीरो डॉलर से कम चली गई हैं तो क्या इसका मतलब ये है कि भारत में पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस जो हैं वो कम हो जाएगी, क्या एलपीजी की प्राइसेस जो हैं वो कम हो जाएंगी। Time to rafa dafa all your confusion. Khamagani deviyon sujino. My name is Vikas Yogi. You watch ICN Studio. और आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्रूड ऑयल के बारे में। तो इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि US में जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस माइनस में चली गई हैं या फिर बहुत निचले स्तर पर आ गई हैं, धड़ाम से गिर गई हैं, उसका असर भारत पे पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, आपका ये जानना जरूरी है कि क्रूड ऑयल का ट्रेड जो है, जो मार्केट है, वो कैसे काम करता है। तो क्रूड ऑयल क्या होता है? क्रूड ऑयल बेसिकली फॉसिल फ्यूल है, एक नेचुरल रिसोर्स है जो कि धरती में मिलता है, अलग अलग जगहों पर मिलता है। अभी जो ऑयल रिजर्व्स हैं इनसे क्रूड ऑयल को निकाला जाता है, मतलब कच्चे तेल को निकाला जाता है और उस कच्चे तेल से बहुत सारी चीज़ें बनती है अलग अलग टेम्परेचर पे। उसी से आपका पेट्रोल बनता है, उसी से आपका डीजल बनता है, आपका एलपीजी बनता है और कैरोसिन बनता है। ऐसे कई तरीके की चीज़ें जो हैं अलग अलग टेम्परेचर पे रखेंगे तो बन जाएंगी। उदाहरण के तौर पे अगर आप जो क्रूड ऑयल है, जो कच्चा तेल है, उसको लगभग 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे रखते हैं तो उससे जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होके ऊपर आएंगे उससे आपकी एलपीजी बनती है। मतलब अगर आप उसे स्टोर कर लेंगे तो आपकी एलपीजी बन जाती है। वहीं पर अगर आप 30 डिग्री से 105 डिग्री के बीच में उसे रखेंगे तो आपका पेट्रोल बन जाता है, जैसे कि हम गैसोलीन भी बोलते हैं। वहीं पर अगर आप मान लीजिए 160 डिग्री से 230 डिग्री के बीच में अगर टेम्परेचर रखते हैं तो उससे आपका कैरोसिन बनता है और 230 से 425 डिग्री के बीच में आपका डीजल बनता है। तो जहां जहां पर ये आपको ऑयल मिलता है उन जगहों को हम ऑयल रिजर्व्स बोलते हैं, मतलब क्रूड ऑयल जहां मिलेगा उन्हें हम ऑयल रिजर्व्स बोलते हैं। किसी कंट्री में ये ज़्यादा मिलता है, किसी कंट्री में कम मिलता है और किसी कंट्री में बिल्कुल नहीं मिलता है। तो जिन कंट्रीज में बिल्कुल नहीं मिलता है वो उन कंट्री से खरीदते हैं जहां पर आपको ऑयल मिल जाए, क्योंकि आज की तारीख में अगर आप इकोनॉमी इमेजिन करेंगे या किसी भी देश को इमेजिन करेंगे तो बिना क्रूड ऑयल के उसे इमेजिन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन जो सिस्टम है आपका पूरा का पूरा इसी पर डिपेंड करता है। एलपीजी जो होती है आपकी वो भी इसी से आपको मिलती है, प्लास्टिक्स आपके इसी से मिलते हैं, आपका टेक्सटाइल्स का जो कई सारा काम है वो इससे हो रहा है। इसका मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ये नेचुरल रिसोर्स है और इसी वजह से जिन कंट्रीज में ज़्यादा मिलता है वो ऑयल रिच कंट्रीज होती हैं, वो कंपैरेटिवली ज़्यादा पैसे वाली कंट्रीज मानी जाती हैं क्योंकि बहुत अच्छा खासा वो व्यापार करती हैं। और इसी वजह से, मतलब इस व्यापार की वजह से, इस ट्रेड की वजह से ऑयल रिच कंट्रीज के बीच में भी तनाव हमेशा बना रहता है। इसी वजह से 1960 में कुछ एक कंट्रीज जो हैं उन्होंने साथ में मिलकर एक ग्रुप बनाया अमेरिका को चैलेंज करने के लिए, आप समझ सकते हो, क्योंकि अमेरिका जो है वो ऑफकोर्स सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी इकोनॉमी है, सबसे पावरफुल है। तो ये पांच कंट्रीज जो ऑयल रिच कंट्रीज थी वो साथ में आई और उन्होंने एक नई ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की जिसे के नाम दिया गया ओपेक। ओपेक का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक इसका शॉर्ट फॉर्म है ऑफकोर्स। तो ये पांच जो कंट्रीज हैं जिसके अंदर मिडल ईस्ट की कंट्रीज हैं, इराक हो गया, ईरान हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, कुवैत हो गया और वेनेजुएला, ये पांच कंट्रीज ने मिलकर ओपेक की स्थापना की। बाद में और अफ्रीकन कई कंट्रीज हैं वो भी आ गई और कुल मिलाकर आज की तारीख में अगर आप बात करें तो टोटल 13 सदस्य हैं ओपेक कंट्रीज से। अब ये जो अमेरिका क्रूड ऑयल निकालता है और जो ओपेक कंट्रीज या नेशंस जो ऑयल निकालती हैं इनकी क्वालिटी में भी फ़र्क है। अमेरिका वाली जो क्वालिटी है उसे WTI के नाम से जाना जाता है, वेस्ट टेक्सस इंटरमीडिएट, और जो ओपेक कंट्रीज का जो क्रूड ऑयल है उसे हम ब्रेंट के नाम से जानते हैं। तो ये अलग अलग क्वालिटी है क्रूड ऑयल की ही, दोनों बहुत अच्छे क्रूड ऑयल हैं पर क्वालिटी के मामले में अगर आप बात करेंगे तो WTI का जो सल्फर कंटेंट है वो कंपैरेटिवली कम है, जो कि अच्छी बात है, और जो API लेवल है वो उसका ज़्यादा है तो थोड़ा बेहतर माना जाता है। बट क्योंकि ओपेक कंट्रीज़ के पास में ज़्यादा ऑयल रिजर्व्स हैं एक साथ हैं तो ये ज़्यादा एग्रेसिवली उसको बेच पाते हैं और कई सारे पॉलिटिकल रीजंस भी हैं ऑफकोर्स, और सबकी अपनी अपनी अलग अलग कंट्रीज से अंडरस्टैंडिंग भी, और इसी वजह से ओपेक नेशंस जो हैं वो क्रूड ऑयल का जो कारोबार है वो लगभग 2/3 कंट्रीज दुनिया की जो हैं, लगभग 67% जो कंट्रीज है उनको ये जो क्रूड ऑयल है वो बेचते हैं। तो बेचते कैसे हैं? बेचते हैं बैरल के हिसाब से। बैरल क्या है? बैरल को आप मान लीजिए एक मेजरमेंट यूनिट है, जैसे कि टन और क्विंटल होता है वैसे ही बैरल होता है। अगर आप क्रूड ऑयल खरीदते हैं तो उसके हिसाब से आपको खरीदना होता है। एक बैरल में लगभग 159 लीटर के आसपास टोटल क्रूड ऑयल आता है। तो अब आते हैं असली सवाल पे कि क्या जो US में अभी
ऑयल की जो प्राइसेस माइनस में चली गई हैं उसका असर भारत पे पड़ेगा? अगर एक शब्द में मुझे इसका जवाब देना हो तो वो होगा नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। क्योंकि हम पहली बात तो यूएस से क्रूड ऑयल खरीदते ही नहीं है, हम मिडल ईस्टर्न कंट्रीज से खरीदते हैं ब्रांड क्वालिटी का, जो कि ओपेक कंट्रीज हैं ऑफकोर्स, उनसे हम खरीदते हैं। और उसकी अगर आप प्राइस बात करेंगे तो वो $20 पर बैरल है। ऑफकोर्स काफ़ी कम है, क्योंकि यूएस में अगर माइनस में ही चली गई है तो इनके बीच में आपस में ऑफकोर्स वॉर चलता रहता है, प्राइस वॉर, तो इनकी भी अभी कम है। और दूसरी चीज़, डिमांड ही नहीं है, इतना ज़्यादा इन्होंने ऑयल बना लिया है, डिमांड नहीं है। तो ऑफकोर्स जब डिमांड से ज़्यादा आपने बना लिया है तो उसकी प्राइसेस ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगी, क्योंकि सब जगह लॉकडाउन है तो डिमांड हम कर ही नहीं रहे हैं। चाहे आप यूएस से खरीदने वाले जो खरीदार हैं वो भी नहीं कर रहे हैं, हम जो मिडिल ईस्ट से खरीदते हैं हम वहाँ से भी नहीं कर रहे हैं। इस वजह से ही ब्रांड क्वालिटी का अगर आप ऑयल देखेंगे तो उसकी प्राइसेस भी जो हैं वो डेफिनेटली कम है। पर एक और इसमें पेच है, वो ये है कि जो प्राइसेस अभी हम देख रहे हैं, चाहे आप यूएस की बात कर लीजिए WTI ग्रेड की या फिर ब्रेंट की आप बात कर लीजिए, तो इन दोनों की जो प्राइसेस हैं वो आज के लिए प्राइसेस नहीं है, वो फ्यूचर ट्रांजेक्शन्स के लिए, आने वाले महीनों के लिए है। तो अगर आज की हम बात करें तो हम ऑलरेडी खरीद चुके हैं, पुरानी प्राइस पर हम खरीद चुके हैं, हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारा तेल है जो कि हम बेच नहीं पा रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, क्योंकि सारा का सारा ट्रांसपोर्टेशन ठप पड़ा है, सब कुछ बंद पड़ा है, तो उसकी ज़रूरत जो है एक्चुअली वो है ही नहीं। तो जब तक लॉकडाउन हटेगा नहीं, जब तक ये बिकेगा नहीं, तब तक आप नया तेल जो है वो ऑर्डर नहीं करेंगे। अब एक सिचुएशन एक बार आप हाइपोथेटिकल ये मान लेते हैं कि मई में मान लीजिए हमारा लॉकडाउन हट जाता है, 3 मई के बाद में हम उम्मीद कर रहे हैं कि हट जाएगा, तो अगर हट जाता है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज चालू हो जाती हैं और तब हम नया तेल ऑर्डर करते हैं, तो उस वक्त क्या प्राइस ऑफर हो रही है उस पर डिपेंड करेगा। और मान लीजिए कि $20 ही रहती है, तो उस वक्त अगर हम ऑर्डर करते हैं $20 पर बैरल के हिसाब से, तो क्या उस वक्त भारत की जो सरकार है, जो आपकी राज्य सरकार है, वो जो आपकी ऑयल की प्राइसेज हैं, फ्यूल की प्राइसेज जो हैं पेट्रोल डीजल की, वो कम करेगी? तो अगर आप उस सिचुएशन में भी जाएंगे तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होगा। वो इसलिए क्योंकि अगर आप इकोनॉमी की हालत देखेंगे इस वक्त भारत की, तो बहुत ही ख़राब है, दुनिया भर की ख़राब है, हमारी भी ख़राब है इस कोरोना की वजह से, चाइना की वजह से। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि अगर आप खरीद भी लें कम में तो ये भरपाई करने की कोशिश करेंगे जो अभी नुकसान हो रहा है। नुकसान कहाँ से हो रहा है? हेल्थ केयर में पैसा लग रहा है, टेस्टिंग किट्स हम मंगवा रहे हैं दुनिया भर से, हम रोज़ाना टेस्ट कर रहे हैं, हमारे जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले जो लोग हैं उनको इस टाइम पे सपोर्ट की ज़रूरत है, उनको खाने की ज़रूरत है, उनको रहने की ज़रूरत है, तो उनके लिए पैसा लग रहा है, उनको कैश ट्रांसफ़र करवाई कई स्टेट गवर्नमेंट्स, तो उसमें पैसा लग रहा है। तो अगर अभी जब GST कलेक्शन नहीं है, कोई भी टैक्सेशन नहीं है, क्योंकि कोई बिजनेस ही नहीं चल रहा है, तो उस वक्त ये उम्मीद करना कि अगर हम कम प्राइस में खरीद लें फ्यूल को और हम उसी टाइम पर जनता को उसका बेनिफिट दे दें, तो ऐसा बहुत मुश्किल है। क्योंकि आपको समझना पड़ेगा, आपको अपनी स्टेट गवर्नमेंट को सपोर्ट करना पड़ेगा, आपको अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट को सपोर्ट करना पड़ेगा, आप किसी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, बट इस वक्त ये डिमांड करना भी नाजायज़ है, क्योंकि अभी हम ऑलरेडी माइनस में जा रहे हैं। तो जो टैक्सेशन आएगा फ्यूल से, पेट्रोल और डीजल से, जो एक्साइज ड्यूटी मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो से भरपाई करने की कोशिश करेगी। जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो जो वैट मिलता है उससे भरपाई करने की कोशिश करेगी। तो इस वक्त एक्चुअली डिमांड करना भी थोड़ा सा गलत हो जाएगा। सो दैट्स इट पीपल ऑन दिस टॉपिक। आई होप क्रूड ऑयल से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं और ये जो प्राइस वॉर चल रहा है, माइनस में प्राइस जा रही है, कम प्राइस जा रही है, उसका क्या असर भारत पर पड़ेगा, उस पर मैं आपके जो सभी सवाल हैं उनको एड्रेस कर पाया हूं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। अगर फिर भी कोई सवाल रहेंगे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और ये वीडियो पक्का शेयर कीजिए सबके साथ में, जिससे कि लोगों को समझ में आए कि माइनस में अगर प्राइसेस चली भी जाएं या फिर कम प्राइसेस अगर हैं अभी इस वक्त, तो उसका भारत पर सडन जो असर है वो नहीं होगा। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।